कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पर, जो है विंडो 10 अपडेट कैसे करें। तो उस पर एक कमेंट आया था कि लैपटॉप अपडेट करने से क्या होता है और लैपटॉप अपडेट कैसे करें वगैरह वगैरह कमेंट आया था। तो मैं उस भाई को क्लियर करना चाहता हूँ कि लैपटॉप अपडेट करना एंड विंडो 10 अपडेट करना, वो दोनों एक दूसरे से सिमिलर हैं, इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है। क्योंकि जब भी आप लैपटॉप लेते हो तो वो बिना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है रन नहीं करता। हाँ, जो भी आप कंप्यूटर के मामले में, अब जब आप इसके मन में क्लियर नहीं है तो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि जब भी आप कंप्यूटर यूज करते हो या फिर परचेज करते हो तो उसमें विंडो 10 डालकर दिया जाता है। कंप्यूटर के साथ विंडो 10 नहीं आता, या फिर किसी भी लैपटॉप के साथ जो है विंडो 10 आता नहीं है, वो पहले से उसमें डाल कर आता है कंपनी से। जो भी मतलब लैपटॉप जो बनाने वाली कंपनी होती है, वो कंपनी वो विंडो उसमें डालकर परचेज मतलब उसको बेचती है लोगों को, और उसका जो पेमेंट होता है वो पहले उसमें इंक्लूडेड होता है, ठीक है। यदि वो नॉर्मल दे रहे हैं तो उसका ज़्यादा प्राइस नहीं होता, लेकिन अगर वो ओरिजिनल विंडो आप 10 आपको डाल कर दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस विंडो 10 के लिए जो है आपने उसको पैसे दिए हैं, यानी लैपटॉप जब ने लिया है उसमें विंडो 10 पड़ा हुआ है तो उसका पैसे उसने उसमें जोड़ कर आपसे ले लिए हैं। तो बात आती है कि लैपटॉप को अपडेट कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो लैपटॉप को अपडेट करना, विंडो 10 अपडेट करना, लैपटॉप एक आपका सिस्टम है एंड विंडो 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या, आपको सिस्टम को ऑपरेट करने वाला, जो भी मतलब आपके सिस्टम को ऑपरेट करता है वो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ज़्यादातर विंडो के लैपटॉप में क्या होता है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड जो एप्पल का कंपनी का लैपटॉप होता है उसमें मैकिंटॉश जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कह सकते हैं iOS होता है, या फिर जैसे एंड्रॉयड आपके मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ज़्यादातर लोग जो है एंड्रॉयड यूज करते हैं, तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। इसके साथ ही जब कोई लोग आईफोन यूज करते हैं तो उसमें जो है iOS, वो सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि जब भी आप आईफोन यूज करते हैं तो वो आपके एंड्रॉयड फ़ोन से बिल्कुल अलग होता है। क्यों? उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। सेम इसी तरह से पॉइंट पर आते हैं कि लैपटॉप को अपडेट कैसे करें। लैपटॉप को अपडेट करने के लिए आपको विंडो 10 को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। जब आप विंडो 10 अपडेट करेंगे तो लैपटॉप अपडेट हो जाएगा। अब बात आती है कि आप सोच रहे होंगे कि विंडो 10 अपडेट कर रहे हैं तो लैपटॉप अपडेट करना या फिर ये दोनों सिमिलर कैसे हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी इसमें चेंजेस है। एक्चुअली क्या है, मेन पोर्शन जो होता है वो विंडो 10 होता है। जब भी आप अपने लैपटॉप को अपडेट करने की सोच रहे हो तो विंडो 10 को अपडेट करो तो वो स्मूथली जो है वो लैपटॉप लैपटॉप आपका है वो यूज जो हो करते हो, जो अपने लैपटॉप को यूज करते हो वो सारा सारा जो है अपडेट हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही यदि मान लीजिए कि आपका विंडो 10 अपडेट करने के बाद भी जो लैपटॉप है वो स्लो चल रहा है, आप चाहते हो कि लैपटॉप को पूरा पूरा अपडेट करना, तो क्या कर सकते हो आप ये कर सकते हो कि आप पूरे जो विंडो को फॉर्मेट करो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप कहीं से सीख लो फिर करो, या फिर किसी से करवा दो। ऐसे ही आप अपने हाथ से जो है तुरंत बिना एक्सपीरियंस के फॉर्मेट मत करो, वरना जो है आप उसको रिकवर नहीं कर पाओगे। फिर आपका जो लैपटॉप का डेटा चल जाएगा तो आप मुझे तो कहोगे कि भाई आपने बताया लैपटॉप अपडेट करने के लिए या फॉर्मेट करने के लिए, फिर मेरा सब कुछ, सब फाइल, फोटो, वीडियो, गाना, मूवी, वो सब का सब चला गया। फिर आप मुझे कमेंट करोगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपको अपने लैपटॉप को फॉर्मेट करना आता है तो आ ही आप फॉर्मेट करो, वरना किसी और से उसको हेल्प ले लो किसी से कि मतलब लैपटॉप फॉर्मेट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि आप अपने विंडो 10 को अपडेट करोगे तो मैक्सिमम जो है 85% चांस है कि आपका लैपटॉप अपडेट हो जाता है। थोड़ा थोड़ा उसमें होता है, जैसे टेम्परेरी फाइल्स होती है, फालतू की फाइल्स होती है जो उससे कुकीज़ बन जाती है, ब्राउजर का हिस्ट्री वगैरह होता है, वो सारा कुछ जो है वो जैसे कचरा होता है ना, जैसे हम घर में ऐसे झाड़ू पोछा लगाते हैं तो कचरा कुछ निकलता रहता है, ऐसा वैसे कुछ स्टोर होता है। तो उसको अगर आप साफ करना चाहते हो तो आपको लैपटॉप को फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो दो रीज़न है आप जो है, अगर आप लैपटॉप को अपडेट करना चाहते हो या अपने सिस्टम को अपडेट करना चाहते हो, तो दो चीज़ें हैं। या तो आप विंडो 10 को अपडेट करो, अप टू डेट रखो, दूसरा आप अपने लैपटॉप को फॉर्मेट कर दो। तो होता है क्या, जब ये दो चीज़ें आप करते हो तो आपका लैपटॉप जो है अपडेट हो जाता है, आपका कंप्यूटर अपडेट हो जाता है, फुली पूरा एकदम नया तरह हो जाएगा। मतलब जैसे आप नया परिचित करके चलाते हो ना तो कैसा मतलब अच्छी तरह से रन करता है, तो उस तरह से वो वर्क करना लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। एक बात और है कि यदि आपको विंडो 10 अपडेट करना जानना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल पे मेरा जो है विंडो 10 अपडेट कैसे करें इसके बारे में ट्यूटोरियल है, आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।